हेलो एवरीवन, आप सभी का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है एंड 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो अभी चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है x+1 / x-1 + x-2 / x+2 = 3। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सिमिलर है, उसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे दो हमारे पास फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन को हमको ऐड करना है। अब ऐड करना है, अगर दोनों का बेस इक्वल होता तो हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। सिंपली मतलब कि बेस अगर इक्वल है तो बेस कंबाइंड कर देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि जो इन दोनों का बेस है वो अलग अलग है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बेस इक्वल करना है। बेस इक्वल करने के लिए करना क्या होता है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 × x+2, राइट। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 × x+2, एंड जो ये डिनोमिनेटर है उसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x-2 × x-1 = 3। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x2, x से 2 में करेंगे ये हो जाएगा 2x, ठीक है, एंड 1 से x में करेंगे तो ये हो जाएगा x, एंड 1 से 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा +2, राइट। आगे प्लस का साइन है, ये वाला साइन लगा लेंगे। फिर x से x में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x2, x से -1 में करोगे तो -x हो जाएगा, -2 से x में करोगे तो -2x हो जाएगा, एंड -2 से -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +2, राइट। डिवाइड करने और डिवाइड में हम लोग उसके बाद जो यहाँ पे डिवीज़न में है वो चीज़ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, x से x में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x2, x से 2 में करोगे तो 2x हो जाएगा, -1 से x में करेंगे तो -x हो जाएगा, और -1 से +2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, = 3 जो है पहले से वो हम लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, सभी को ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो कि +2x और -2x सिमिलर क्वांटिटी हैं, अपोजिट साइन के साथ में तो कैंसिल हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद -x और +x ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा हमारे पास क्या क्या, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x2, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2 है, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई x2। यहाँ पे देखो इससे 2x से -x हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ बचेगा x, तो ये हो जाएगा x2 - x, फिर उसके बाद -2 = 3। यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन बना लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 से यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 2x2 + 4 = 3, से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x2 - 3x - 6, राइट। अब ये पूरा टर्म हम इस तरफ लेके चलते हैं, 3x2 से ये 2x2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा x2, राइट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे -3x है, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे -6, यहाँ पे +4 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस होने के बाद यहाँ पे -4 हो जाएगा तो -10 = 0, ये हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, 10 के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जो प्लस या माइनस होके 3 हो जाए, तो 5 × 2 = 10 होता है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 3 की जगह हमें 5 - 2 पुट करना है, क्लियर। ये हो जाएगा x2 - 3 की जगह 5 - 2 × x - 10 = 0, क्लियर। आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे
अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों में कॉमन कितना होगा x, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस फाइव, यहाँ पे हम प्लस टू कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस टू इज इक्वल टू सॉरी माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस फाइव और दूसरा हो जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो फाइव आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसका एक आंसर आ गया x का वैल्यू 5 और एक आ गया x का वैल्यू माइनस टू, ठीक है। अब इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, हम चलते हैं इसको इरेज करके सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 बाई 6, राइट। सेम वही क्वेश्चन है, बेस इक्वल करना है, कंबाइंड कर लो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस फाइव हो जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस थ्री, क्लियर। आगे क्या है 1 बाई सिक्स, अब ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस फाइव माइनस x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करूँ x से x में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, माइनस थ्री से x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x हो जाएगा एंड माइनस थ्री से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 बाई सिक्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि प्लस का x और माइनस का x कैंसिल हो गया, 5 3 मिला के कितना हो जाएगा 8, क्लियर। यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाई सिक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, 6 यहाँ 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 6 जा कितना होता है 8 6 जा 48 एंड ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, राइट। अब आगे चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, सारा टर्म इधर ही है तो ये जो 48 है इसको हम यहीं राइट हैंड साइड लेके आते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और यहाँ पे माइनस का 48 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस यहाँ से ये हो जाएगा 63 8 5 13 एंड 41516 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे 63 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस हो के कितना आ जाए 2 आ जाए, ठीक है। तो 9 7 जा होता है कितना 63, 9 में से 7 माइनस होगा 2 बच जाएगा, इसका मतलब 2 की जगह हमें क्या करना है 9 माइनस 7 पुट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह 9 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 63 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से कॉमन कितना होगा सिर्फ x कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे माइनस 7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 9 हमारा एक फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15th का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया जिसका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू माइनस 9 एंड x इज इक्वल टू 7। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया है।